हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू NSK ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, Realme के CEO माधव सेठ ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि यह स्मार्टफोन 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन BIS और IMEI डेटाबेस पर भी लिस्ट हो चुका है, जिससे कुछ स्पेसिफिकेशन जो है कंफर्म हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनली बात करेंगे इसकी सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं और ये स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और प्लीज़, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी टेक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.5 इंचेस की फुल HD+ के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जो कि एक सेंटर पंचोल डिस्प्ले पैनल होगा, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलने वाला है। और इसी के साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड HDR10+ का सपोर्ट भी मिलेगा। और इसके बैक एंड फ्रंट दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलेगी। एंड अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो इसके रियर साइड में आपको स्क्वायर शेप में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा, जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस होगा। इसी के साथ में एक LED फ्लैश और नीचे रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर बात करूँ इसके सेल्फी शूटर के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी शूटर भी मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल 5G चिपसेट मिलेगा, जो कि अपने आप में एक दमदार प्रोसेसर है और ये डुअल 5G की कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करेगा। और अब बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ में रियलमी UI 2.0 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन 2 रैम वेरियंट में लॉन्च होगा, 6GB+128GB, 8GB+128GB। और अगर बात करूँ इसकी बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आपको 4500mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके साथ आपको चार्जर टेक्नोलॉजी 65W की मिलेगी। USB Type-C पोर्ट होगा, 3.5mm ऑडियो जैक होगा, फेस अनलॉक कैमरा, 2 API, वाइड 1L1 का सपोर्ट, एक्सेलेरोमीटर, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। और अब फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन 23 से 25 हज़ार रुपये के बीच में इंडिया में आएगा। और दोस्तों, इसकी लॉन्च डेट की बात करूं, तो ये स्मार्टफोन 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।